बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। सो आज का रिव्यू ये है कि आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बायोक्वा की राइस जेल और राइस सीरम का। ये एक बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है। इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसकी प्राइस क्या है और इसे यूज़ करने का क्या तरीका है, ये सारी डिटेल्स मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सो हेयर इज़ द जार। ये बायोक्वा का राइस जेल है और इसके ऊपर लिखा हुआ है एक्सफोलिएटिंग जेल। इसके साथ हमारे पास है राइस सीरम। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की। तो ये जो सीरम है ये 300 प्लस कुछ का मिला था मुझे, और ये जो जेल है ये 500 प्लस की कुछ मिली थी। मैंने ये नाहिद से बाय किया था। आप चाहें तो इसे दराज से भी बाय कर सकते हैं, दराज पे भी ये इजीली आपको मिल जाएगा। सीरम इसका बहुत ज़्यादा अमेजिंग था, मैंने इसे यूज़ कर लिया था और ये ख़त्म भी हो चुका है। और मैं इसे यूज़ किस तरह करती थी वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। सो इसमें प्रोडक्ट है 15 ml। इस पे लिखा हुआ है राइस टेंडर स्किन मॉइस्चराइजिंग एसेंस, जेंटल एंड क्लियर, सॉफ्ट एंड मॉइस्चराइजिंग। ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करेगा और जो आपके ओपन पोर्स हैं उसको श्रिंक करेगा, इससे आपकी स्किन ग्लो करेगी। सो ये इसके बेनिफिट्स हैं। बाकी अब हम बात कर लेते हैं राइस जेल की। सो इसके जार पे लिखा हुआ है एक्सफोलिएटिंग जेल। एक्सफोलिएटिंग का मतलब क्या होता है, छिलका उतारना, मतलब ये हमारी स्किन के डेड सेल्स को रिमूव करेगा। सो अब हम इसे ओपन करेंगे और इसका टेक्सचर आपके साथ शेयर करेंगे। इसका टेक्सचर बिल्कुल जेल फॉर्म में है और इसके अंदर ना छोटे छोटे से पार्टिकल्स हैं राइस के, जो हमारी स्किन को अच्छे से स्क्रब भी करेंगे और हमारे डेड स्किन को रिमूव भी करेंगे। सो हाउ टू अप्लाई, हम इसे अप्लाई कैसे करेंगे। इसे हमने इतना लेना है, ये आपके फेस के लिए इनफ हो जाएगा। और आपने इसे 5 से 6 मिनट तक अच्छे से इसको मसाज करना है। आपने इसको इतना मसाज करना है कि ये आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। 5 से 6 मिनट बाद जब ये आपकी स्किन पे एब्जॉर्ब हो जाए तो आप इसे रिमूव कर लें। किसी भी नैपकिन या ठंडे पानी से भी आप इसे रिमूव कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स की। सो ये आपकी स्किन के डेड सेल्स को रिमूव करेगा और आपकी स्किन को ग्लोई करेगा। यह आपकी स्किन को स्क्रब भी करता है, जो चावल के इसके अंदर पार्टिकल्स हैं वो आपकी स्किन को स्क्रब करने में मदद करते हैं। यहाँ बात हो गई इसके बेनिफिट्स की, इसकी प्राइस की और इसके यूजेस की, कि हमने इसे कैसे यूज़ करना है। तो अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं इसे कैसे यूज़ करती हूँ। मैं इसे डेली यूज़ नहीं करती हूँ, मैं इसे मेकअप से पहले यूज़ करती हूँ। क्योंकि जब हम मेकअप कर रहे होते हैं तो हमारी स्किन बहुत ज़्यादा खुरदुरी हो रही होती है, हमारी बेस वहाँ से फटने लग जाती है। लेकिन इससे मेकअप से पहले हम इसे यूज़ करेंगे तो हमारी स्किन बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। इसको मैं यूज़ इस तरह से करती हूँ कि जेल की थोड़ी सी क्वांटिटी मैं अपने हाथ पे लेती हूँ और फिर उसके अंदर सीरम के 2 ड्रॉप ऐड करती हूँ और इसे मिक्स करके अपने फेस पे अप्लाई कर देती हूँ। फिर 2 से 3 मिनट तक इसका मसाज करके और फिर इसे वॉश कर लेती हूँ। आप इसे वॉश भी कर सकते हैं और आप इसे किसी नैपकिन या टिश्यू पेपर से क्लीन भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। ये हमारे फेस पे प्राइमर का काम भी करता है क्योंकि इसमें एलोवेरा जेल है। एलोवेरा जेल प्राइमर का काम भी करती है। आप देख सकते हैं कि इसे मैंने जिस हाथ पे अप्लाई किया था वो हाथ ग्लो करने लग गया है। अच्छा, इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसमें एलोवेरा जेल है, इसमें विटामिन ई है और इसमें है राइस फ्लोर और राइस के छोटे छोटे पार्टिकल्स। जो राइस तो आपको पता ही है हमारी स्किन के लिए कितना अच्छा है, और फिर जो एलोवेरा जेल है, एलोवेरा जेल भी बहुत अच्छा है हमारी स्किन के लिए। इस जार के अंदर प्रोडक्ट हमें 140 ml दिया हुआ है। तो यार इतने अफोर्डेबल प्राइस में इतना सारा प्रोडक्ट हमें ठीक मिल रहा है, आप इसे ज़रूर बाय करें और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में इसका रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं और सब्सक्राइब करें। डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज़।